हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स शो की, और डेली करंट अफेयर्स शो में आज हम देखेंगे 20 अप्रैल 2020 के क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर करें। और इस करंट अफेयर्स का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बात करते हैं यानी कि आज कल का सवाल आपसे पूछा गया था कि प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है। डीडी मेट्रो, डीडी रेट्रो, डीडी विस्टा और डीडी ओल्ड। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डीडी रेट्रो। बहुत से लोग जो इसका आंसर दिए थे डीडी रेट्रो, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो बिल्कुल सभी का आंसर, जितने लोग जो बी आंसर दिए थे सभी का आंसर सही था। इसकी डिटेल्स की चर्चा कर ले तो देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम से एक नया चैनल आरंभ किया है। नए चैनल डीडी रेट्रो को विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्रामों के लिए जो है लॉन्च किया गया। दूरदर्शन के इन पसंदीदा मशहूर धारावाहिकों में पौराणिक महाकाव्य रामायण और महाभारत, ऐतिहासिक नाटक चाणक्य और सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान शामिल है। इसके अलावा सूची में कॉमेडी ड्रामा श्रीमन श्रीमती, जासूसी शो वोमेश बक्सी, ड्रामा शो हम है ना और शाहरुख खान का सर्कस सीरियल भी शामिल है। तो ये इसका डिटेल्स है। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो आज का पहला सवाल है कि कहां पर स्थित है SCTIMST ने COVID-19 की जांच के लिए एक किफ़ायती और तेज़ परीक्षण किट विकसित किया है। वेयर इज SCTIMST डेवलप्ड एन अफोर्डेबल एंड फास्ट टेस्ट किट फॉर टेस्टिंग COVID-19। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, भोपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम जो है ये SCTIMST है, जिसने जो है COVID-19 के जांच के लिए किफ़ायती और तेज़ परीक्षण किट विकसित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स की बात करें तो SCTIMST ने COVID-19 की जांच के लिए एक किफ़ायती और तेज़ परीक्षण किट विकसित किया है। त्रिवेंद्रम के श्री चित्रा त्रिरुन्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST ने COVID-19 की जांच के लिए एक किफ़ायती और तेज़ परीक्षण किट विकसित की है। इस किट के जरिए सिर्फ 2 घंटे में कोरोना संक्रमण का पता लग जाएगा और इसका खर्च करीब जो है 1,000 रुपये है। इस किट को चित्रा जेन लैम्प एन नाम दिया गया है। तो यह इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। पहला ऑप्शन है आपका 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स की बात कर ले तो विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, और यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। तो ये इसका डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। विच रॉकेट विल बी यूज्ड बाय नासा टू लॉन्च एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स। पहला ऑप्शन है फाल्कन 9, फाल्कन 8, फाल्कन 5 और फाल्कन 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9 को जो है नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट उपयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें तो नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा और इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा, और यह जो है एलोन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX का पहला क्रू लॉन्च है। तो यह इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने असेस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एसेस कोरोना एप्लीकेशन? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, तेलंगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली की राज्य सरकार ने असिस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स की चर्चा करें तो दिल्ली सरकार ने असिस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की। दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असिस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन को कोविड 19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है और यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा क्योंकि यह वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करता है। दिल्ली सरकार ने पहले कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T कार्यक्रम शुरू किया था। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी। तो आप याद रखें, उपराज्यपाल के बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, अनिल बैजल जी उपराज्यपाल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है कि किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? विच मोटर कंपनी हैज एक्वायर्ड द स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन? TVS, हीरो, होंडा और यामाहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, TVS कंपनी ने, मोटर कंपनी है TVS और ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें तो TVS मोटर कंपनी ने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का किया अधिग्रहण। TVS मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है और 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी और जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को प्रतिमाह 10,000 रुपये देने का निर्णय किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 10,000 रुपीज पर मंथ टू एवरी हेल्थ वर्कर एंगेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट्स? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिमा 10,000 रुपये देने का निर्णय किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। डिटेल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को प्रति माह 10,000 रुपये देने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर माह 10,000 रुपये सम्मान के रूप में देगी और इसके अलावा अगर कोरोना मरीजों को सेवा देने में शामिल अन्य विभागों के कर्मचारी अगर संक्रमित पाए गए हैं उन्हें भी 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल है लालजी टंडन। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का सातवां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया? विच टीम हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर आफ्टर द आई लीग सीजन एंडेड 2019-22 ड्यू टू कोरोना वायरस? पहला ऑप्शन है मोहन बगान को, ईस्ट बंगाल, मिनरवा, पंजाब और रियल कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहन बगान को जो है कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 के समाप्त घोषित कर दिया गया और जो है मोहन बगान टीम को जो है विजेता बना दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें तो आई लीग सत्र समाप्त घोषित हुआ और मोहन बगान विजेता बना। कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर दिया गया है और मोहन बगान इस सत्र का विजेता बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और AIFF लीग समिति के अध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लीग समिति की बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो मोहन बगान की स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुआ था, यानी 1889। एशिया के सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बगान, जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, तो आप ये जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आठवां क्वेश्चन है, IPL के महानतम कप्तान कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ IPL? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और VR सिंह दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
बी और सी दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल के महानतम कप्तान चुने गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स की बात करें तो धोनी और रोहित चुने गए आईपीएल के महानतम कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को आईपीएल इतिहास का ऑल टाइम महानतम कप्तान चुना गया है। रोहित के नेतृत्व में मुंबई ने 4 बार जबकि धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु के बल्लेबाज एवी डिविलियर्स सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और मुंबई के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। चेन्नई के अनुभवी ऑलराउंडर शेन वाटसन ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुने गए। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात, ये था आज के क्वेश्चन। आज के सवाल की बात करते हैं तो आज का सवाल आपसे पूछा गया है कि आईएमएफ ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। इसका ऑप्शन है 0%, 1%, 2% और 3%। इसका आंसर आपको जो है कमेंट करके देना है और हमें ये भी बताना है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईएमएफ स्टैंड फॉर क्या होता है आपको ये भी बताना है और इसका आंसर भी बताना है कि आईएमएफ ने 2020 की एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। बहुत से लोग जो है कमेंट कर रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए, कमेंट करके आंसर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।